हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज के वीडियो में कुछ खास बात करनी है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो 15 दिसंबर 2019 को हमने मॉर्निंग में 20 किलोमीटर की राइड की, जिसका नाम था दिशा राइड 2019, और जिसकी शुरुआत की थी ज्वाला एनजीओ ने। ज्वाला एनजीओ और डॉक्टर दिव्या गुप्ता ने शुरू किया था निर्भया केस होने के बाद वुमन सेफ्टी और वुमन एम्पावरमेंट के लिए और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए। तो ये राइड हर साल होती है, ये साल भी थी। तो काफ़ी सारे साइकिल राइडर आए थे, तो उन्होंने ये 20 किलोमीटर्स की राइड की साथ में। तो उस राइड को आप इंजॉय करो, मिलता हूँ आपसे राइड के बाद। तो ये राइड हमने की वुमन सेफ्टी और वुमन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए, ओके। और जैसे कि हमारे साथ आज एक मोहतरमा मौजूद है, एक ज्वाला मौजूद है। तो आप वुमन सेफ्टी के लिए कुछ मैसेज या कोई टिप्स देना चाहेगी? वुमन सेफ्टी के लिए आपको बताना चाहूंगी, वो अपना ये रहता है ना पेपर स्प्रे। हाँ। पेपर स्प्रे बहुत अच्छा होता है। हाँ। वो इतना छोटा सा ही रहता है ना। हाँ। किचन की तरह अपने पास रखो, जब लगे कि इसका इस्तेमाल करना है। हाँ। तो उसके लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, तो कर देने का। हाँ, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, किसी को परेशान वरेशान करने का अपना कोई ये नहीं है। हाँ। और इसके पेपर स्प्रे के ऊपर एक टिप देना चाहता हूँ। आप अगर पेपर स्प्रे खरीद तो लेते हो, लेकिन फिर भी एक बार आप किसी ऐसे खाली जगह पर यूज करके देख लेना, ऐसे हवा में ही, कि उसको कैसे इस्तेमाल होता है, वरना फिर पता चला इमरजेंसी सिचुएशन और आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि अब ये खुलेगा कैसे, कहाँ से प्रेस करना है। तो ये छोटी सी एक बेसिक प्रैक्टिस भी आप कर लेना। और दूसरी बात, अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाओ, ऐसे जैसे मेरे तरह एकदम थोल थोल ऐसे नहीं चलता है। खुद होगा तो मैं वही बोल रही हूँ, मैं कैसे हूँ वैसे नहीं चलता है। अपने आप को मजबूत बनाओ, योगा करो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, जो डू वट एवर यू वॉन्ट, लेकिन अपने आप को एकदम फिट बनाओ कि ताकि आप जरूरत पड़ने पे एक्शन ले पाओ। ऐसे एकदम से ढीले पीले रहोगे तो नहीं, ऐसा नहीं चलता है। थोड़े फिट रहोगे तो मूव कर सकते हो ना फटाक से। और कुछ जरा सा मतलब ध्यान रख सकते हो, क्योंकि मतलब अगर रात को लेट हो रहा है और आप कुछ ऑटो बस कुछ भी कर रहे हो, तो आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास इंटरनेट है, तो उसका नंबर वगैरह जो है वो फोटो खींच के भेज दो, घर वालों के साथ आप वीडियो कॉल पे बने रह सकते हो। ऑटो में ट्रैवल करने से पहले या कैब में ट्रैवल करने से पहले, बस में ट्रैवल करने से पहले उसका एक फोटो खींच के जो आपको सेफ लगते है उनके पास भिजवा दो, है कि नहीं, जो ताकि वो आपको ट्रैक कर सके, बराबर है कि नहीं? राइट, उनके साथ आप वीडियो कॉल पे बातचीत कर सकते हो ऑन द वे। और कोशिश करो कि भले आपको कितनी भी नींद आ रही है, अगर आप अकेले हो तो आप कैब में, ऑटो में कभी भी आप सोना नहीं है। सोना नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस वाला जर्नी है वो अलग बात है। हाँ, पर वो किसी तो अभी जान पहचान वाले के साथ करे, अलग चीज है। लॉन्ग डिस्टेंस तो जान पहचान, लेकिन अगर आप
रोज का ट्रैवल कर रहे हो तो हो सके तो मत सो, मत सो, किसी का भी भरोसा नहीं कर सकते, सो जाएंगे ना। हाँ, रास्ते में क्यों सोना है? एग्जैक्टली, क्योंकि आप जागते रहोगे तो थोड़े से अलर्ट रहोगे। हाँ, क्योंकि हमारे रेस्ट का फायदा कोई और उठा सकता है। हाँ, आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते, कम से कम आप गूगल मैप ऑन रखो अगर आप अनजान रूट पे हो, कि जो कैब वाला है, ऑटो वाला जो लेके जा रहा है आपको, वो सही रूट पे लेके जा रहा है कि नहीं। हाँ, एक तो हमको नहीं पता, उस पे जिसको पता है वो भी ऐसा एक्टिंग करेगी, उसको भी नहीं पता तो हो चुका, पता नहीं, बात नहीं, वो हमें कहीं और ना लेके जाए, कहीं और ना लेके जाए। बराबर है, तो आपका जो गूगल रहेगा, गूगल मैप रास्ता दिखाएगा। तो इस वीडियो को ये पे ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके विचार कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करके जाए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।